बांग्लादेश में हिंसक झड़पों में 91 की गई जान, टूटी नोबेल विजेता प्रोफेसर की चुप्पी, दर्द होता है जब इंडिया स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्लेटफॉर्म ने बांग्लादेश सरकार के इस्तीफे की एक सूत्री मांग के साथ पूर्ण असहयोग आंदोलन की अपील की है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच ताजा झड़प में 91 लोगों की मौत हो गई। सिलहट में भारत के सहायक उच्चायोग ने प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के बीच भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। छात्रों सहित भारतीयों को आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर +88013130764062 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। पिछले महीने बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 200 लोग मारे गए थे। यूनिसेफ ने बताया, उस समय मरने वालों में 32 बच्चे भी शामिल थे। वहीं कई बच्चे घायल हुए और बहुतों को हिरासत में भी लिया गया। यूनिसेफ हिंसा की निंदा करता है। पिछले महीने बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 200 लोग मारे गए थे। यूनिसेफ ने बताया, उस समय मरने वालों में 32 बच्चे भी शामिल थे। वहीं कई बच्चे घायल हुए और बहुतों को हिरासत में भी लिया गया। यूनिसेफ हिंसा की निंदा करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश में फैली अशांति पड़ोसी भारत देश में भी फैलेगी। उन्होंने कहा कि इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहना दुखद है।